हाँ जी, राम राम जी, मैं हूँ तुषार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के टाइटल से आपको पता चली गया हो कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन मनाली में। तो देखते रहिए मेरा फुल व्लॉग और आपको पूरा टूर दिखाएंगे मनाली का। लो भाई मित्रों, कार अपनी वॉश हो गई है और बंदे अपने रेडी है दोनों, और तीसरा एक है भाई, बस अब कार वॉश है जी, दो चार मिनट और लगेंगे उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी दोस्तों, घर निकल गए हैं मनाली के लिए और बंदे से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको, हैवी ड्राइवर रजत सैनी और वड्डी भाई चेतन लक्ष्य इन द हाउस। तो निकल गए हैं, देखते हैं, अभी तो मैप मूव लगाया नहीं हमने, तो मैप लगाते हैं, देखते हैं कहाँ से निकलेंगे। अभी मेन पहले अम्बाला जाएंगे, अम्बाला से रोड चंडीगढ़ वाले रोड से। क्या बोल रहे हैं भाई, तुम सुन दिया बोल यार भाई, ये भी लोग में नहीं छूट कर सकते ना जो तुमने बोल रहे। हाँ लो भाई लोग, गाड़ी पहले फुल करा देते हैं, ज़रूरी है क्योंकि बाद में फिर तेल का हिसाब किताब लगे ना लगे ये बंदे हमारे। हाँ जी प्रधान जी, और किद्दा भी रे, पंजाबी जी गलबात हो रही है मुंडिया दी। हैं चल ठीक है भी रे, एक्साइटेड हो फिर मित्रों मनाली के लिए? लक्ष्य क्या कितने का बोलो ब्रदर, बोलो टंकी में क्या फूल करा लिए? करानी पड़ेगी भाई, जान भी तो थाने दो। ले भाई चेतन जी हमारे खर्चा करने लगे हैं और ये निकालेंगे क्रेडिट कार्ड। भाई बड़े बंदे भाई हमारे साथ है, तुम्हें दबने की जरूरत ही नहीं। ये लो भाई बुलेट अपनी फेवरेट है ब्रदर। तेल भाई देख लेते हैं कितने तक का डल गया, अभी 3400 तक का डल चुका है। टंकी हमेशा फुली कराओ अगर कहीं जा रहे हो घूमने। और हमारे चेतन भाई ने तो अपना अपर निकाल दिया है भाई, क्या बात ब्रदर, भाई बहुत गर्मी। हाँ ये बात तो है, लेकिन हरियाणा में तो गर्मी स्टार्ट हो गई है ज्यादा ना वंटी भाई। हरियाणा में गर्मी लगने लग गई, लक्ष्य तेरे को गर्मी तो लग रही भाई? यहाँ तो गर्मी है भाई, मनाली जाके ही मिलेगी ठंड। यही नहीं अभी और सुनिए। पता नहीं भाई कौन सी ठंड की ये आस कर रहा है, चलो देखते हैं फिर क्या सीन रहता है अगला। मनाली में तो शायद माइनस में टेम्परेचर होगा, स्नोफॉल दिखाएंगे आपको। स्नोफॉल कल की जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं मंडी, यहाँ से मनाली कम से कम 100 किलोमीटर दूर रह जाता है, तो अभी यहाँ रुकेंगे और खाना खाएंगे। ये पीछे आप ढाबा देख सकते हो, रुकेंगे और खाना खाएंगे थोड़ा, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। लो भाई बंदोबस्त हो गया, फोटो शूट शुरू।
ये साहिल जी हमारे, वाह मंटी भाई भाई, ये DSLR वाले बंदे कहाँ आज सब ये गुस्से हमारे लक्ष्य लक्ष्य भाई हमारे। कैसा लगा खाना, कैसा लगा? बढ़िया था भाई, टॉप क्लास। थोड़ा नमक कम था पर बाहर आ रही हो तो एडजस्ट आपको थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फूड बहुत बढ़िया था यार। 2000 years later. Guys, अब बस मनाली पहुँचने वाले हैं। बस 10 किलोमीटर का रास्ता रहता है और बारिश शुरू हो गई। आपको जैसा बारिश की आवाज़ सुन ही सकते हो। अभी यहाँ रुके हैं, छोटा सा कैफे है, सोचा कि चलो थोड़ा। और भाई जी हमारे मेन्यू कार्ड देखते हुए, बढ़िया भाई। तो और कैसा रहा फिर, व्हाट अबाउट द टूर ब्रो? बढ़िया था, सही होना चाहिए बस। हाँ अभी टाइम लगेगा थोड़ा, मतलब लग जाएंगे आधा घंटा और। अभी चाय के लिए रुके हैं गाइस, चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। कंटिन्यूसली 2.5 घंटे से हम चल रहे थे और काफ़ी टाइम लग रही है मनाली में यार। मनाली पहुंच गए बस, 10 किलोमीटर रह गए यहाँ से। और अभी खाना खाने लगे हैं, खाना खाते हैं उसके बाद होटल में जाएंगे। होटल मैंने पहले ही बुक कर दिया था ऑनलाइन। मेक श्योर कि अगर आप मनाली आ रहे हो तो होटल ऑनलाइन ही बुक करके आएँ, थोड़ा इजी हो जाता है और डिस्काउंट भी बढ़ जाता है अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो। फ़ायदा ही है एक तरीके से तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है होटल वालों के साथ। तो होटल बुक करके आइए। मूड वैसे भाई की था, पर पीछे जैसी मां बहन ने मैगी करी थी ना, बाद में मैगी तो मूड उठ गया, मूड खराब करो दिन भर। पीछे अंकल जी मैगी बनवाई थी। अच्छा सच में मैगी खाने का शौकीन हूं मैं यार, मैं यूनिवर्सिटी में खाता हूं। अच्छा ठीक है समरिया, पर आज ऐसी कैसी कर दी थी बंदी। भाई आज चेतन ने मैगी करवाई और ऐसी मैगी तो मैंने। हाँ जी अंकल जी, मैगी मैगी के बारे में बोल रहे हो? कल आते हुए, कल नहीं आएंगे हम, आएंगे परसों। चलो परसों आ जाओ, आपके पास रुकेंगे, आपके पास आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। लो भाई मित्रों, फाइनली मनाली पहुंच गए हैं और बारिश कंटिन्यूसली 2-3 घंटों से हो ही रही है यार। काफी हैवी बारिश है, मतलब हमने चेक भी किया था, हैवी रेनफॉल है कल तक। पता नहीं बर्फ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अभी तो होटल जा रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो फाइनली होटल पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले ही रूम बुक कर लिया था, आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार। ये रूम अराउंड हमें 1500 का पड़ गया ऑनलाइन। ये रूम है, 4-5 बंदों के हिसाब से तो बढ़िया ही है। और बंटी भाई हमारे कुछ सामान अपना पैक करते हैं। और लक्ष्य तू क्या कर रहा है दोस्त? भाई तुम रूम सर्विस यार क्या मंगवा रहे हैं? चीज चिल्ली और करवा दे यार। क्या खाएगा बंटी? हक्का नूडल्स करवा दे यार, हो सकता हो तो। भाई ये इनके तो ऑर्डर बाजी शुरू हो गई है। ये आपको बाथरूम में दिखा देता हूँ यार। आई मीन 1500 रुपये में तो यार सही है यार सीन, मतलब है ना, 1000-1500 रुपये लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक द आउटफिट ब्रो। बाकी आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, और ये व्लॉग 3-4 दिन में आ ही जाएगा। डे 1 है ये हमारा टूर का। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, ऐसे ही प्यार देते रहो यार, सपोर्ट की भी ज़रूरत है।